हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि है ना, GSTR-1 में हम मॉडिफिकेशन प्रीवियस मंथ का कैसे करेंगे किसी भी आउटवर्ड सप्लाई का, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो मेरी थी GSTR-3 में, अगर आपने किसी भी प्रकार की गलती की है तो उसे हम कैसे सुधार कर सकते हैं, अगर हमने रिटर्न फाइल भी कर दिए तो भी हम सुधार कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं वो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। GSTR-1 में कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे, लाइव देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस मंथ में, मतलब किसी भी पुराने महीने में कोई गलती कर दी है, कोई आउटवर्ड सप्लाई में डिटेल्स गलत फिल कर दी है, गलत डिटेल्स कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि आपने टैक्स 18% की जगह 28% में सबमिट कर दिया, या फिर आपने इनवॉइस नंबर के साथ कोई और गलती कर दी कि इनवॉइस तो किसी और कस्टमर का था, डिटेल उसमें कुछ और फिल करनी थी, आपने कुछ और गलत फिल कर दिया, तो वो सारे मॉडिफिकेशन हो सकती है GSTR-1 में सब्सिक्वेंट मंथ्स की में। तो वो कैसे मॉडिफिकेशन होंगे, कैसे गलतियां सुधारेंगे, वो हम इस वीडियो में लाइव देख लेंगे। मेरा नाम दिव्यांश सेंगर है। लाइव देखते हैं क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे। मान लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्वार्टरली रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, जुलाई अगस्त सितंबर में मैंने डिटेल फिल करी और गलत हो गई, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चेंज कर सकते हैं जो क्वार्टर की रिटर्न फाइल होगी। ये सिमिलर प्रोसेस रहेगी मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न के लिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो मान लीजिए जैसे दिसंबर क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम, तो इसे प्रिपेयर ऑनलाइन पर जाएंगे। सबसे पहले इसमें टेबल 9 आपको जहाँ जहाँ दिखेगी वो अमेंडमेंट की है, तो टेबल 9 में आप सारे अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 9B क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड, तो ये तो क्रेडिट डेबिट नोट डिटेल डालने के लिए है, लेकिन अमेंडमेंट भी 9 में ही दिखेगा। जैसे अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस, जहाँ भी अमेंडेड वर्ड दिखे आपको, वो आप पुराने मंथ से रिलेटेड डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। तो 9A में आप अमेंडेड B2B इनवॉइस कर सकते हैं, 9A में ही B2C लार्ज इनवॉइस में अगर कोई गलती है तो वो भी अमेंड कर सकते हैं, 9A में ही अगर एक्सपोर्ट इनवॉइस आपने कोई गलत डाला तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा B2C में भी अगर आपने कोई गलती की है तो B2C 10 नंबर टेबल में अमेंड कर सकते हैं। तो ये सारे अमेंडमेंट्स आप कैसे करेंगे वो एक बार हम लाइव देख लेते हैं। सबसे पहले B2B देख लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे भी B2B की तरह ही हो जाएंगे। अगर आपने B2B सही से समझ लिया तो आपके सारे मॉडिफिकेशन उसी बेसिस पर हो जाएंगे। तो मॉडिफिकेशन पर जाते हैं। सबसे पहले अमेंडेड B2B, इसमें बहुत सिंपल तरीका है कि पुरानी मंथ का कोई भी इनवॉइस आप डालेंगे जिसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर डालिए, अमेंड इनवॉइस पे क्लिक कीजिए, आपको पुराने इनवॉइस की डिटेल फिल हो जाएगी, ऑटो फिल होगी। तो उसमें आप क्या क्या चेंज नहीं कर सकते, एक तो GST नंबर चेंज नहीं कर सकते, रिसीवर नेम चेंज नहीं कर सकते, या फिर जो इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट है ओरिजिनल, या जो एक्चुअल आपने फुल किया है, तो वो डिटेल आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आप डिटेल फिल कर सकते हैं कि आपने जो गलती की है वो कैसे सुधार करें। मान लीजिए आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई गलत हो गया था, तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई मॉडिफाई कर सकते हैं। टोटल इनवॉइस वैल्यू गलत हो गई, 429,000 मैंने डाल दिया जबकि था 1,429,000, तो वो भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सप्लाई टाइप ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पर। अब मान लीजिए आपने गलत टैक्स रेट यूज कर ली, 18% में 363,000 कर दिया, जबकि यहाँ पर था पहले 63,000 रुपये 18% में और 3,00,000 था 28% में, तो आप ये भी मॉडिफाई कर सकते हैं, टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा रेट के बेसिस पर। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस आप करके सेव कर देंगे और ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जब आप सबमिट करेंगे तो वो पुराने इनवॉइस को इम्पैक्ट डालेगा और वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो मॉडिफिकेशन थे जो आपने किए, खुद आपकी नॉलेज में आए कि ये करेक्शंस आपको करने हैं, तो आपने वो करेक्शंस कर दिए। इसके अलावा कुछ करेक्शंस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे जो आप ओके कर सकते हैं। वो कौन से करेक्शंस होंगे, मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को सेल किया, कस्टमर का नाम था ए, लेकिन आपने ए का GST नंबर न डाल के गलती से किसी और का GST नंबर डाल दिया, तो ए की तो GSTR-2 या 2A में रिफ्लेक्ट होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, वो अपने GSTR-2 में सबमिट करेगा डिटेल्स के, ना ये मैंने आपसे परचेज किया था जो आप मुझे सेल नहीं दिखा रहे, तो वो ऑटो रिफ्लेक्ट होगा आपका अपलोडेड बाय रिसीवर में। तो रिसीवर का ये डिटेल आपको ऑटोमेटिकली यहाँ दिखेगी, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आपने अगर एक्चुअल में उसे सेल किया है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर सेल नहीं किया है तो रिजेक्ट कर देंगे, और जब तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेंगे ये पेंडिंग में दिखेगा।
या फिर रिसीवर ने मॉडिफाई कर दिया। आपने किसी को 100 रुपये की सेल दिखाई थी, रिसीवर ने देखा कि आपने तो 200 रुपये की उसे सेल की, तो वो 200 रुपये की वैल्यू डाल के आपको सबमिट कर देगा GSTR-2 में। तो इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही आपको ऑप्शन दिखेंगे, या रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर रिसीवर ने रिजेक्ट कर दिया, आपने गलती से किसी और का GST नंबर डाल दिया, जबकि GST नंबर किसी और पार्टी का डालना था, तो रिसीवर ने देखा कि मैंने तो आपसे परचेज ही नहीं किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस आपको दिखेंगे रिसीवर की साइड से। और फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है अपलोडेड बाई टैक्स पेयर, ये आपने सेल इनवॉइस जो डाले हैं पुराने क्वार्टर में या पुराने मंथ में, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो आपको अपलोडेड बाई टैक्स पेयर में दिखेंगे। तो ये सारे मॉडिफिकेशन आप इजीली आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ईजी सुविधा दी गई है कि आप पुराने इनवॉइसेस को करेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस B2C में भी आएगी। B2C में मेरी कोई सेल नहीं थी जुलाई अगस्त सितंबर में, अदरवाइज मैं आपको वहाँ पर भी दिखा देता कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सिंपल तरीका है, इसमें आपको जैसे B2B में इन्वॉइस नंबर पुल किया था, ऐसे ही B2C में मंथ कौन से मंथ में कौन से प्लेस ऑफ सप्लाई में आपने गलती की। मान लीजिए हरियाणा की सेल आपने गलती से 10,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये दिखा दी, तो आप मंथ सिलेक्ट करेंगे, अमेंड डिटेल्स करेंगे, जो डिटेल आपने फिल की थी पहले रिटर्न फाइल पे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें हरियाणा से आपको दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में आपने मान लीजिए कर दिया था, वो वैल्यू कम कर दीजिए अगर आपने ज़्यादा सेल दिखा दी जबकि वो दिल्ली की सेल थी, तो दिल्ली में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें अमेंडमेंट इजली आप टेबल 9 एंड टेबल 10 में कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये काम आएगी रिटर्न फाइल करने में। एक चीज़ मत भूलना कि आपकी रिटर्न की ड्यू डेट्स आ चुकी हैं, तो रिटर्न की ड्यू डेट का कैलेंडर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक मैंने GST-3 भी कैसे मॉडिफाई करेंगे, अमेंड करेंगे, या उसकी गलतियाँ कैसे सुधारेंगे उसकी वीडियो बनाई थी, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी, जिससे आपकी पुराने महीने की गलतियां सुधार कर सकते हैं। इस वीडियो में ये मंथली एंड क्वार्टरली बोथ GSTR-1 के लिए एप्लीकेबल है, आप ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। चेंज कीजिए अगर कोई गलती हो गई है तो। उम्मीद करते हैं अब आपके ये सारे करेक्शंस हो जाएंगे। GSTR-3 के करेक्शंस आपको पहले ही बताए थे, GSTR-1 के इस वीडियो में हो जाएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं। देखने के लिए धन्यवाद।